हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम तीन परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, जिन्हें समझने में कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है। उनमें से पहला है अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। तो सबसे पहले हम अक्षर के बारे में जानेंगे। अक्षर को लेटर्स भी कहते हैं। अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह होता है जिनका उच्चारण एक सांस में होता है, उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर का उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये सारे अक्षर हैं, इन्हें वर्ण भी कहते हैं। क, ख, ग, घ, इनको वर्ण भी कहते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा के ओर चलते हैं। दूसरी परिभाषा है शब्द। शब्द से पहले आप लोगों के लिए मेरे पास एक रिडल है। रिडल का मतलब पहेली होता है, तो मैं पहेली आपसे पूछती हूं। कमर बांधे कोने में खड़ी, कमर बांधे कोने में खड़ी, हर घर को इसकी जरूरत पड़ी। इसका आंसर व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को देखने के बाद मुझे दे सकते हैं। मुझे ये देखना है कि किस बच्चे को सबसे पहले पता चलता है इसका आंसर। इसके बाद अब हम शब्द के बारे में जान लेते हैं। शब्द को अंग्रेजी में वर्ड्स भी बोलते हैं। शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने से बनता है, जैसे राजा, रा प्लस जा, राजा, का प्लस मा प्लस ला, कमल। तीन वर्णों को मिलाकर यानी तीन अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बना, जो यहाँ पे हम कमल के रूप में देख रहे हैं। अब हम तीसरी परिभाषा की ओर चलते हैं, वाक्य पे। वाक्य की परिभाषा को पहले जानना है या उसका उदाहरण देखना है? पहले हम जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंसेस भी कहते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्द समूहों को मिलाने से वाक्य बनता है, जैसे राम घर जाता है। राम शब्द है, घर भी एक शब्द है और जाता भी एक शब्द है। इन तीन शब्दों को मिलाकर ये पूरा वाक्य बना है। बच्चों, हमने तीन परिभाषाओं के बारे में जाना। यहाँ पर पहले अक्षर, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अगले विषय के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी।